फरिश्ते दिन रात हम गुनहगारों के लिए दुआए मगफिरत करते हैं, और वो मखलूक जो गुनाहों से पाक है और गुनाहों से पाक है वो हमारे लिए दुआएं करती हैं, और रब तबारक ताला उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। अत तरगीब व तरहीब में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है, आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता फरमाई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। उसमें से पहली चीज़ कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक ताला उनकी तरफ यानी हमारी तरफ नजर रहमत फरमाता है, जिसकी तरफ अल्लाह तबारक ताला की नजर रहमत हो उसे कभी भी अजाब ना देगा। और दूसरी चीज, शाम के वक्त उनके मुंह में बू, यानी जो हम रोजा रखते हैं रोजे की हालत में, यानी कुछ भी नहीं खाया होता, कुछ भी नहीं पिया होता, उस वक्त जो बदबू पैदा होती है तो फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक वो मुश्क से भी ज्यादा बेहतर है। और मजीद फरमाया कि तीसरी चीज कि फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए यानी हमारे लिए मगफिरत की दुआएं फरमाते हैं। और चौथी चीज कि अल्लाह तबारक ताला जन्नत को हुक्म देता है कि मेरे नेक बंदों के लिए मुजय्यन यानी आरास्ता यानी सज्जा, जो अन करीब दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। और पांचवी चीज क्या बयान फरमाई कि जब माह रमजानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है। जब ये गुफ्तगू मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने सहाबा इकराम के सामने फरमाई तो उस वक्त एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ये लैलतुल कदर की रात है? मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने क्या फरमाया? नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है? तो देखिए कितनी प्यारी गुफ्तगू मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाई है।